लखीमपुर से आशीष कुमार की एक रिपोर्ट। नदी में छलांग लगा दी है। ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिलने पर शिक्षक ने पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगा ली। मामले की सूचना आसपास के लोगों ने डायल नंबर 100 कोतवाली पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर जा पहुंची और गोताखोर की मदद से शिक्षक की तलाश शुरू कर दी। पलिया निदाशन रोड पर स्थित प्राथमिक विद्यालय मलिनिया में शिक्षक के रूप में तैनात था। बताया जाता है कि घर से शिक्षक प्रदीप बस में सवार होकर गोला से पलिया के लिए निकला था, लेकिन वह पलिया से पहले ही शारदा पुल पर उतर गया। बताया जाता है कि पहचान वाले कुछ उनके साथियों ने वहां खड़े होने के बाबत जानकारी ली। जानकारी लेने पर उन्होंने किसी का इंतजार करने की बात कही, जिस पर वह लोग आगे निकल गए। बताया जाता है कि कुछ समय बाद प्रदीप ने शारदा पुल से नदी में छलांग लगा ली थी। मामले की सूचना आसपास के लोगों ने डायल 100 नंबर व कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस अपने दल बल के साथ मौके पर जा पहुंची और गोताखोर के माध्यम से शिक्षक की तलाश शुरू कराई। शिक्षक के नदी में छलांग लगाने की सूचना पर SDM पूजा यादव व तहसीलदार अनिल कुमार यादव भी मौके ये एक जो टीचर है प्रदीप कुमार, इनका शारदा नगर में ये कूदने की सूचना मिली, तो उस पर हमारे इंस्पेक्टर पलिया और इंस्पेक्टर भीरा वहाँ मौजूद हैं और जो PAC की बाढ़ राहत यूनिट है वह भी लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चल रहा है और इसके साथ वाले जब अध्यापकों से संपर्क किया गया तो लोग बता रहे हैं कि इसकी माँ काफ़ी बीमार रहती थी, इस वजह से यह कुछ समय से डिप्रेशन में थे। बाकी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हमारा प्रयास है कि इसको सही कुशलता से निकलवा लिया जाए, उसमें हम प्रयास रहते हैं।